जय माता दी। बेटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से स्वागत है। अवेकनिंग है ना, कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में हम में से बहुत लोगों के मन में ऐसी चीज़ें रहती है कि आखिर हमारे साथ जो है संघर्ष इतना ज़्यादा क्यों है, क्यों हम इतने अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं फिर भी इतना निगेटिविटी क्यों आता है। तो इस क्यों का जो प्रश्न का जो उत्तर है ना आपके सामने में वन बाय वन तब आता है जब आप अवेकन हो जाते हैं। अब ये अवेकनिंग आपको कुछ भी लगे ठीक है, लेकिन ये अवेकनिंग जरूरी नहीं है कि किसी पर्सन से हो या किसी विशेष पर्सन से हो, जैसे कि हम देखते हैं ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं अगर अपना अनुभव बताऊं तो आपकी अवेकनिंग कार्मिक से भी हो सकती है, कार्मिक के ट्रिगर करने से कुछ ऐसे मोमेंट आपके लाइफ में आते हैं, जैसे कि किसी बहुत ही क्लोज वन का आपसे दूर जाना है ना, ये जो दूरी है किसी भी प्रकार की हो सकती है। ये बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि इसके बाद मैं खुद का मेरा अनुभव है, मैंने बचपन से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है कहते ना कि एक जो सोल पर्पस होता है आपका तो उसी से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं आपके लाइफ में रहता है। तो ये बिल्कुल भी एक प्रकार से हम अगर ऐसा कहेंगे कि सिर्फ ट्विन फ्लेम से होता है, ये सारी चीज़ें नहीं होती। मैं शिव शक्ति यात्रा मानती हूँ, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने प्रश्न किया था, मैं बिल्कुल बताऊँगी, क्योंकि परमात्मा जी की कृपा से, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से मैं इसी यात्रा में हूँ। अपने जिसको मैं सोल कनेक्शन कहती हूँ उन्हीं के साथ मेरा जो है ये शिव शक्ति यात्रा है, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से, मतलब मैं अपने अनुभव आने वाले समय में ज़रूर शेयर करूँगी। इससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि अवेकनिंग होना, जैसे हम लोगों की अवेकनिंग बहुत पहले से हुई है ना, लेकिन कुछ लोगों की अवेकनिंग आप देख रहे होंगे कि लगभग 2-3 साल से ज़्यादा लोगों की अवेकनिंग हो रही। कहीं ना कहीं एक आघात, एक दिल में एक दुख होता है ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि किसी का सडन जाना, जॉब का जाना, किसी ऐसे चीज़ का जिसको हम बहुत, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम बहुत दिल से लगा कर रखते हैं, उन चीज़ों का जाना सडन, और आपकी कार्मिक क्लिंजिंग, इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है कार्मिक क्लिंजिंग। जैसे कि हम कहते हैं ना कि कर्मों की शुद्धि, तो कभी कभी भ्रम हो जाता है जब कर्मों की शुद्धि चलते रहती है, क्योंकि कभी भी आपके जो, मैं इसको हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन ही कहूँगी, आप लोग समझ जाइएगा, कभी भी आपके हाई लेवल जो सोलमेट कनेक्शन है उनके अंदर हो सकता है कि कुछ ऐसी, क्योंकि इंसान है तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, लेकिन वो आपको जब ट्रिगर करेंगे ना तो वो आपका साथ भी देंगे ठीक है, वो आपको सपोर्ट भी करेंगे, वो आपको ट्रिगर करके छोड़ के और रोता हुआ नहीं जा सकते। ऐसी ये सारी स्थिति जो कार्मिक स्थिति है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। कार्मिक स्थिति आप लोगों के बीच में होती है, मतलब उनका एक कार्मिक बैगेज है, पास्ट लाइफ का आपका एक कार्मिक बैगेज है। जब ये बैगेज जो है हील होते जाता है ना धीरे धीरे, परमपिता परमात्मा जी के शरण में आप रहते हैं, हीलिंग करते हैं, तब सडन आपके पास सारे प्रश्नों के उत्तर आते हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो आज की रीडिंग ये है कि मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, आप में से बहुत लोग जो है हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, जिससे हो सकता है कि जिसमें आपको भ्रम कहीं ना कहीं होता हो कभी कभी कि ये कनेक्शन वाकई में सोलमेट कनेक्शन है कि कार्मिक कनेक्शन है, क्योंकि कार्मिक क्लिंजिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो हम ये देखते हैं, आज मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि न्यू मून के बाद आपके लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, ख़ास तौर पर आपके स्पिरिचुअल यात्रा में, आपके पर्सनल लाइफ में। तो हम देखते हैं, उम्मीद है जितना अभी मैंने बहुत कम शब्दों में बताया है, क्योंकि आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बताने, देखिए पॉलिटिक्स का कार्ड, ये कार्ड एक ऐसी चीज़ भी यहाँ पर बता रहा है कि बहुत सारे लोग आपके बीच में आते हैं, बहुत लोग जो जिनका रियल फेस आपको धीरे धीरे पता चलता है ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। और दूसरी बात, आप दोनों के बीच में बहुत सारे कार्मिक, देखिए कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक स्थिति, जरूरी नहीं है कि वो कार्मिक पर्सन ही हो, कभी कभी स्थिति भी होती है जो कहीं ना कहीं एक क्रिएट हुआ रहता है, क्योंकि आपको वो शुद्ध करना, कार्मिक शुद्धि बहुत ज़रूरी होती है। और यहाँ पर जो है पॉलिटिक्स का कार्ड बता रहा है कि आपके लाइफ में बार बार ऐसे लोग आते होंगे जो हैं कुछ और दिखाते कुछ और हैं ठीक है, ये एनर्जी है। दूसरी बात, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो, क्योंकि इतने सारे कार्मिक लोगों से मिलकर, इतने सारे आपने जो अनुभव किया है, जो बहुत ही अजीब अनुभव है, मैं कहूँगी निगेटिव अनुभव जिनके साथ है,
वो अपनों पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और दूसरों पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे लोग भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर यही नज़र आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी निगेटिविटी भी नज़र आ रही है, जो किसी और के द्वारा कहीं ना कहीं, देखिए जब आपका रिश्ता इतना खूबसूरत रहता है ना, जब आपको भी समझ में आता है, लोग अगर आप मैरिड हैं, अगर ठीक है, तो आप कहीं जाते आते हैं तो लोग आपको ज़रूर कहते होंगे या पहले कहे होंगे कि आप लोगों का जो एक अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बहुत खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जो भी इस कनेक्शन में उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही, मतलब हम कहेंगे कि देख कर ही ऐसा समझ में आ जाता है कि हाँ ये जो है एकदम परफेक्ट सोलमेट है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि मेड फॉर ईच अदर, इस तरीके से आपको देखकर लोगों को लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए टू ऑफ कप्स फ्रेंडलीनेस, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके अंदर की जो इच्छा शक्ति है, जो क्रिएटिविटी है, आप जैसे देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि लोग ना आपके लाइफ में निगेटिविटी करने की कोशिश करते हैं, आपको अलग करने की कोशिश करते हैं, आपको किसी भी प्रकार से पॉलिटिक्स के द्वारा, किसी भी प्रकार से भ्रम के द्वारा, मतलब ऐसा देखिए, अगर पॉजिटिव तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं तो निगेटिविटी आपको पीछे खींचने की कोशिश करती है, यह तो हम सबको पता है। तो क्योंकि आप दोनों अगर इसी तरीके से अपने आप को इनर वर्क करते रहे, क्रिएटिविटी से अपने चक्र को बैलेंस कर लिए, धीरे धीरे आप इस तरीके से बैलेंस हो जाएंगे कि आप देखिए, जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि आप दोनों, मतलब आप एक दूसरे को देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ ये आपके, मतलब आप ही हैं, ठीक है। ये चीज़ बाद में होती है जब आप दोनों ही बैलेंस हो जाते हैं। स्टार्टिंग में तो जो रहता है वो तो रहता है, पास्ट लाइफ का सोल पहचान लेते हैं एक दूसरे को, लेकिन ये सारी चीज़ें बाद में, लेकिन उससे पहले आपके लाइफ में काफ़ी सारी कार्मिक स्थिति आती है, काफ़ी सारी निगेटिविटी प्रोजेक्शन होती है, तब धीरे धीरे एक एक कदम करके आप आगे बढ़ते हैं। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में ये स्थिति दिसंबर के समय में, अक्टूबर के समय में, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी आप लोगों के बीच में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, जिसमें ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है, पूरी तरीके से हट गया है, पर पूरी तरीके से ये नवंबर के मंथ में नज़र आ रहा है ना, 11, तो 11 महीने के अंदर और नवंबर के मंथ में, कुछ लोगों के लिए जिनकी अभी यह एनर्जी रिसीव हो रही है उनके लिए 11 मंथ लग रहा है, और जिनकी पहले से ही क्लिनजिंग चल रही है उनके लिए मुझे यहाँ पर नवंबर का मंथ नज़र आ रहा है। तो नवंबर के मंथ में आपके लाइफ से ये पूरी तरीके से निगेटिविटी जो भी है वो हट जाएगी, चाहे इसे स्थिति कहिए चाहे पास्ट लाइफ का, मतलब देखिए ये कार्ड और ये कार्ड ना मुझे बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी आपके लाइफ में आपको महसूस होता है ना, जो महसूस होता है, मैं कह रही हूँ वो महसूस ही हो सकता है, वो आप किसी को बताएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे तब तक जब तक खुद के साथ नहीं होता। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके साथ कंटिन्यू होते रहती है, और इसके लिए आप हो सकता है रेमेडी भी लेते हो, लेकिन फिर भी आपको जो है ना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन आपको बहुत जल्द सितंबर अक्टूबर के मंथ में आपको जो है उपाय मिलेगा, आपको मार्गदर्शन मिलेगा, और आपके लाइफ में जितना भी स्टकनेस है, जितना भी भ्रम है, उस भ्रम से आप पार निकल जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सोल पर्सन और आप दोनों ही पहले से काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन आप करेंगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा आपको अंतर नज़र आएगा। तब आप ये गिल्ट का कार्ड इसलिए आया, तब आप ये सोचेंगे कि मैं क्या सोच रही थी या मैं क्या सोच रहा था, ये जो कनेक्शन है इतना, जैसे नॉर्मल एकदम आसान से उस तरीके से नहीं होता ना, क्योंकि इसमें निगेटिविटी भी प्रोजेक्ट किया जाता है आप दोनों के बीच में, मतलब दूर करने के लिए आप दोनों के जो कार्मिक बैगेज होते हैं वो भी, और आप दोनों को देखकर लोगों को जो जेलसी होती है। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत स्मार्ट हैं या बहुत खूबसूरत हैं, एक जो आपका सोल है ना वो उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आपका जो सोल है पास्ट लाइफ से ही अवेकन सोल है, और ऊपर से परमात्मा जी की कृपा है। देखिए आप में से दोनों में से कोई एक पर्सन पहले अवेकन होते हैं, वो मेडिटेट कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भ्रमित करने की कोशिश करिए। तो आपके इनर वर्क में बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करना, और जब तक आप अपना इनर वर्क करते हैं तब तक आपके सोल कनेक्शन के लाइफ में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्शन करने की कोशिश करना, ऐसी बहुत सारी मेजर चीज़ें होना, या बहुत ज़्यादा मटेरियल, मतलब उनको एक अटैचमेंट होना, ठीक है, आपके पर्सन को, या कार्मिक लोगों के बीच में रहना उनका,
इस तरीके की जो है ना एनर्जी रहती है, लेकिन जैसे ही कॉन्सनल कहीं ना कहीं उनका जो थर्ड आई चक्र ओपन होने वाला रहता है, जब उनकी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, जब आपके सोल पर्सन का आप देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, तो एक हारमोनियस जो है ना रियूनियन आपका होता है। इस तरीके से एनर्जी निकल कर आई है, तो आपके लाइफ में न्यू मून के बाद जिन लोगों ने भी ये सारी चीज़ें महसूस की है, जिन लोगों ने अपने ऊपर वर्क किया है, जिन लोगों ने यहाँ पर निगेटिव एनर्जी को फील किया है, जिन लोगों ने यहाँ पर ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे लोगों पर भरोसा किया है जो उनके अपने नहीं थे, या अपने होकर पराए थे, पराए होकर अपने थे, ऐसी कोई स्थिति है। और आप बहुत ही जल्दी समझ पाएंगे कि कौन आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि जिनको आप अपना शायद हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन समझ रहे हैं, वो आपको जगाने के लिए या तो अचानक से भेजे गए थे कि आप अब जग जाइए, क्योंकि बार बार आप कार्मिक लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग अपने सोल कनेक्शन के साथ गो आउटसाइड में कहीं बाहर जाने का आपको मौका मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए आपकी घर की स्थिति, अगर आप मैरिड हैं तो आपका जो आपके सोल कनेक्शन के साथ जो रिश्ता है वो और भी ज़्यादा गहरा होने वाला है। और जो अनमैरिड भी है उनके भी घर की स्थिति उनको लोग समझने लगेंगे, जो उनके सोल फैमिली के मेंबर है वो उनको समझने लगेंगे। आपके लाइफ में अनकंडीशनल लव ऑलरेडी है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होने वाला है। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका जो रिश्ता है ना, वो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है और ये अनकंडीशनल लव है आपका। मतलब हम कहते हैं ना कि एक दूसरे को देखकर ही आप समझ जाएंगे, लेकिन पहले आपको समझ में नहीं आया कि ये सारी चीज़ें क्या है। आपको लगा कि एक दूसरे को देखें तो हाँ ठीक है, ये अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, इस वजह से। लेकिन धीरे धीरे ना जब आप इनर वर्क करने लग जाते हैं और आपको सब समझने लग जाता है ना, तब आपके सोल पर्सन की भी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। तब उनको भी लगता है कि कुछ तो अलग है, ठीक है। जिसकी वजह से मतलब एक दूसरे के आत्मा से प्रेम करना, मतलब सोचिए आप सोच कर देखिए कितना डीप मीनिंग है। एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करके एक दूसरे की आत्मा से प्रेम करना, मतलब एक आत्मिक संबंध आप लोगों के बीच में रहता है, जो कोई भी किसी भी स्थिति में, जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले आज न्यू मून है, मेरे जो सोल कनेक्शन है उन्होंने ये कहा कि हमारा जो गांठ जुड़ा हुआ है ना, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। इस तरीके की बातें आपके सोल पर्सन करते हैं, उस वक्त नहीं करते जिस वक्त अवेकन नहीं होते हैं, जिस वक्त कार्मिक स्थिति के साथ होते हैं, या कार्मिक स्थिति में, ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी, लेकिन कार्मिक स्थिति होती ही है, जैसे कि वर्क प्लेस हो गया, कोई ऐसे लोग हो गए जो उनको भ्रमित कर रहे हैं, ठीक है, या निगेटिव अटैक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। आप अगर महसूस करेंगे तो समझ में आएगा कि आप जो इनर वर्क कर रहे हैं, आप जो डिवाइन जी की ब्लेसिंग में इतने ज़्यादा हैं, आप इतने प्योर पॉजिटिव हैं, तो आपके सोल कनेक्शन भी बिल्कुल धीरे 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 ऐसी बातें करने लगेंगे जो वो मेडिटेट नहीं के बारे में नहीं सोचते, तो मेडिटेट करेंगे, चाहे किसी भी प्रकार से हो, 5 मिनट करें, वो ध्यान योग के बारे में कहीं ना कहीं आपसे बात करेंगे। पहले जो आप लोगों के बीच बात होती थी, और अभी जो बात होगी ये कार्मिक क्लिंजिंग के बाद, वो काफ़ी अलग तरीके की बात होगी। चाहे आप मैरिड हैं, अगर आप अपने सोल कनेक्शन के साथ मैरिड हैं, तो आपने देखा होगा कि आपने अपने लाइफ में काफ़ी संघर्ष किया है, ठीक है। देखिए हॉर्न, आपने अपने मैरिड लाइफ में शुरू से जब आपने देखा होगा कि आपके लाइफ में इतना डिसबैलेंस है, मतलब हर एक दैनिक दिनचर्या में, हर एक चीज़ में क्यों इतना संघर्ष आ रहा है, आपने देखा होगा। एक समय आपको ये भी लगा होगा कि आखिर ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही है। ये मैरिड वालों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं न्यू मून के बाद। तो आपको किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं होना है अगर आप इस कनेक्शन में हैं तो ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं फिर से यही कहूँगी कि आपके अगर इस कनेक्शन में है तो ये जो आपके पर्सन है, ये आपको कभी भी ठीक है, चाहे कितना भी हो जाए, वो डेविलिश एनर्जी नहीं रहती है इनके अंदर। मतलब ये आपका सम्मान दिल से करते हैं, भले ही इनके अंदर थोड़ा सा ईगो होगा, ठीक है, लेकिन ये आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं। ये है, कभी भी डीएम और डीएफ एक दूसरे से ही प्रेम करते हैं, चाहे वो कितना भी कार्मिक स्थिति आए, कितना भी निगेटिविटी आए, एक जो सच्चा प्रेम होता है, एक जो डीप लेवल का एक जो प्रेम होता है ना, मैं कहूँगी कि हमेशा मैं कहती हूँ कि स्पिरिचुअल यात्रा में आपका स्पिरिचुअल अनकंडीशनल लव वो आपसे करते हैं, और इसकी जानकारी उनको धीरे 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 और भी ज़्यादा
प्राप्त होने लग जाती है। आप देखते हैं जब आप बैलेंस होते हैं तब आपके पर्सन भी बैलेंस होते हैं, तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि इमोशनल, ये पहले इमोशनल टॉक नहीं होता था आपके बीच में, क्योंकि ऐसी सारी स्थिति थी, सिचुएशन थी। लेकिन जैसे जैसे आप दोनों का जो सोल है, अब आप दोनों का सोल जो है, आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे आने वाले हैं, तो डिवाइन इंटरवेंशन होता है, और जो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन हो रहा है वो प्रोजेक्शन रुक जाता है, या जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उन्हीं के साइड चले जाता है, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आपके तरफ वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो प्रोजेक्शन उनके तरफ आ रहा है। ये पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। इस यात्रा में पूरी तरीके से आपको आध्यात्मिक रहना है, पूरी तरीके से आपको अपने गुरुदेव जी के, अपने इष्ट देव जी के शरण में रहना है। इस चैनल में स्टार्टिंग से ही मैं ये डाल रही हूँ आप लोगों के लिए कि श्री हनुमान जी बाबा जी की इतनी ज़्यादा कृपा थी मेरे सोल पर्सन के लाइफ में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई निगेटिविटी की वजह से, आप देखेंगे तो समझ में आएगा। उनके पैरों में प्रॉब्लम, उनके सेहत में प्रॉब्लम, उनके हर एक एस्पेक्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रेयर जो होता है ना, और फिर हीलिंग और प्रेयर, और पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में आप रहेंगे, आप देखेंगे कि क्या से क्या, मतलब पूरा चेंज हो जाता है, लाइफ पूरा चेंज हो जाता है, 360 डिग्री आपको चेंज नज़र आएगा खुद के अंदर, आपके सोल पर्सन के अंदर। क्योंकि जिस दिन से आप दोनों मिले हैं उस दिन से ही आपके सोल पर्सन सिर्फ आपसे प्रेम करते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। हम अब साईं बाबा जी का जो डिवाइन गाइडेंस, हम एक कार्ड जरूर लेंगे। देखिए, आपके लिए इस न्यू मून के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी, आपके पर्सनल लाइफ में भी, आप अकेले नहीं हैं। किसी भी स्थिति में आप घबराएं नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि डिसबैलेंस हो रहा है, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, आपको मार्गदर्शन मिलेगा। ऐसे लोग आपके लाइफ में काफ़ी सारे रहते हैं, ठीक है, जिनको आपको पहचानना है। जब इनका जो मुखौटा है वो हटता है तब आपको समझ में आता है, जब आप अवेकन हो जाते हैं ना तब आपको समझ में आता है परमात्मा जी की कृपा से कि कौन आपके अपने हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग आप बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कीजिए। मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको और डिटेल रीडिंग चाहिए, और डिटेल आप जानना चाहते हैं, जितना मैंने समझा है परमात्मा जी की कृपा से, उतना मैं आपके पास ये जो जानकारी है वो लाने की कोशिश करूँगी इस चैनल में। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, पॉजिटिव रहिए। गॉड ब्लेस यू।